हवा मीठी तू आजा पश्चिम से, तूफान तू आजा रे दक्षिण से, मीठी बदरी तुझे बुलाती। आई लव दिस सॉन्ग। ये टारो का सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है बचपन से ही। वेल, इस टारो के सॉन्ग के साथ मैं आप सबका स्वागत करती हूँ टिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल में। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? आज मैं सुनाऊंगी आपको एक बहुत ही मजेदार स्टोरी जो मैंने भी पहली बार सुनी है, और कुछ दिन पहले मैं स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रही थी किसी बुक की, उसमें ये स्टोरी थी और मेरे को इतनी अच्छी लगी, मेरे को लगा कि मैं अपने बच्चों के साथ ये स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी। एक बच्चा था आपके जैसा, उसका नाम था राम। राम बहुत ज़िद्दी बच्चा था, बहुत शरारती। कभी किसी पड़ोसी की बेल मार के भाग जाता था, कभी किसी की कुंडी लगा देता था गेट की, कभी किसी का गेट खटखटा के भाग जाता था, कभी किसी के अमरूद तोड़ता था, किसी के आम तोड़ता था। राम के पेरेंट्स के पास दिन में इतनी कंप्लेंट्स आती थी कि उसके पेरेंट्स कहते थे, राम तेरा क्या करें, तुम इतने ज़िद्दी इतने शरारती क्यों हो? मगर वो बात नहीं सुनता था। एक बार की बात है कि गर्मी की छुट्टियां हुई, समर वेकेशन में मम्मा पापा ने सोचा कि हम तो ऑफिस जाते हैं, ये पीछे से तंग करेगा, घर में शरारतें करेगा, चलो इसको हम नाना घर भेज देते हैं। वो उसको उसके नाना के घर भेज देते हैं। वो अपने नाना के घर जाता है, वहाँ नाना नानी खूब अच्छे अच्छे उसको चीज़ें खाने को देते हैं, उसके मामू उसका बहुत ध्यान रखते हैं, मगर वहाँ पर भी वो वैसे ही शरारतें करता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मार के भाग जाता है, उनके चिप्स ले लेता है, उनकी चॉकलेट्स ले लेता है, और कभी अपना टाइम पे नहीं उठता, उठता है तो कपड़े इधर उधर फेंक देता है, चप्पल इधर उधर। सब परेशान हो गए कि अब इसको समझाया कैसे जाए। एक दिन की बात है, उसके मामू बाहर गार्डन में बैठे होते हैं, तो राम उनके पास जाता है, कहता मामू आप क्या कर रहे हो? कहते मैं नए प्लांट्स लगा रहा हूँ, तो मेरी हेल्प करोगे? कहता हाँ मामू मैं करूँगा। तो वो कहते अच्छा, वो जो छोटे छोटे से प्लांट्स लगे हैं, छोटे छोटे सी घास लगी है, उसको प्लक कर दो। राम कहते ये कौन सा बड़ा काम है। वो जाता है जल्दी से, वो जो घास है वो प्लक करता है, कहता मामू ये तो बहुत आसानी से हो गया। उसके मामू कहते ठीक है, कहते अब ये जो उससे थोड़े से बड़े हैं इनको प्लक करो। वो थोड़ी सी मेहनत लगती है, सारे प्लक कर देता है, कहता मामू ये भी हो गया। अब मामू कहते यहाँ पे जो थोड़े से बड़े हैं ना, जो उससे बड़े हैं, ये भी निकाल दो, क्योंकि ये ना हमारे पौधों की सारी खाद वगैरह खा जाते हैं, ये वैसे ही हैं, आप इनको भी निकाल दो। तो उसको बड़ा जोर लगता है उनको उखाड़ने में, उखाड़ता है, चलो वो भी काम कर लेता है। कहता मामू हो गया। अब मामू कहते ये जो चार पांच लगे हैं ना ये पौधे, ये अब इनके फूल नहीं आने हैं, ये सीजनल हैं, ये ख़राब हो गए हैं, इनको निकालो। अब राम पकड़ता है, बड़ा जोर लगाता है, मगर वो प्लांट निकलते ही नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। कहता मामू मैंने इतनी मेहनत की, ये तो निकल ही नहीं रहे हैं। मामू कहते अच्छा बैठो पानी पियो। उसके मामू ना ऐसे वो खुरपा लेते हैं, उससे निकाल देते हैं सारे प्लांट्स। मामू को भी पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मामू कहते राम एक बात बताऊं। कहता हाँ जी मामू। कहते आपने वो छोटे छोटे प्लांट्स जल्दी से क्यों निकाल लिए? कहता मामू उनकी जड़ें ही नहीं लगी थी, अब मैंने जल्दी से निकाले वो निकल गए। और कहते वो दूसरे वाले, कहते वो भी ऐसे था, तो कहते ये क्यों नहीं निकाल पाए? कहता मामू इसकी जड़ें बहुत अंदर थी ना, निकालना मुश्किल था। मामू कहते हियर यू आर, यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, जब आप छोटे हो, आप में कोई बुरी आदत है, आप आराम से उसको फटाफट ख़त्म कर सकते हो कि मैंने ये नहीं करना, मैंने आज के बाद किसी को तंग नहीं करना, मैंने आज झूठ नहीं बोलना, मैंने किसी के दुख का कारण नहीं बनना। मगर जब आप बड़े हो जाते हो तो वो आदत भी बड़ी हो जाती है और उसकी जड़ ज़मीन में लग जाती है, और अगर आप कोशिश भी करोगे तो आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। और जब तक आप बुरी आदत छोड़ोगे नहीं, आप ग्रो नहीं करोगे, आप बड़े इंसान अच्छे इंसान नहीं बनोगे, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आप लोगों को प्यार नहीं कर पाओगे, ना लोग आपको प्यार कर पाएंगे। राम कहता मामू मैं समझ गया, मेरे को लेसन मिल गया कि हमें गंदे बच्चे नहीं बनना चाहिए, हमें अच्छे बच्चे बनना चाहिए, क्योंकि ये जो रूट्स अगर बुराई की हमारे अंदर लग गई तो ये निकलेंगी नहीं, हम जितना मर्जी प्लग कर लें। मामू कहते अब आप तंग करोगे किसी को? कहता नहीं मामू। तो वो जब वापस घर पहुंचा, ही वॉज सच अ गुड बॉय, उसके पेरेंट्स भी हैरान रह गए कि इसमें इतना चेंज कैसे आ गया। सो बच्चों, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप भी ऐसे अच्छे बनो, अगर आपको लगता है आप में कोई बुराई है उसको दूर करो, एंड ट्राई टू बी ए नाइस पर्सन। आपके मम्मा पापा आपके लिए कितना कुछ करते हैं, आप उनको दुख देते हो तो कितनी बुरी बात है। कोई आपकी कंप्लेंट आपके पेरेंट्स को करता है, दैट इज़ नॉट गुड। नो 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 नो। सो प्लीज़
ट्राई टू बी गुड पर्सन, गुड ह्यूमन बींग, सबको प्यार करो और अपने पेरेंट्स की केयर करो, ठीक है। आज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अब मैं आपको एक अच्छी सी वीडियो दिखाती हूँ और आप एंजॉय कीजिए अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ संडे।
हैं।